हेलो डियर्स, आज हम लोग क्वेश्चन टैग में यह समझेंगे कि हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं हाउ टू चूज द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टैग्स। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, पहला इसकी शर्त क्या है। यदि या अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस कथन का सब्जेक्ट कर्ता कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आई, वी, यू, दे, सी, इट, इनमें से कोई हो पर्सनल प्रोनाउन, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही, मतलब वही जो पर्सनल सब्जेक्ट के आई है तो वहां भी आई ही रहेगा क्वेश्चन टैग के। शी है तो सी ही रहेगा, ही है तो ही रहेगा, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है ही रीड्स ए बुक, हमने क्या किया है डायरेक्ट क्वेश्चन टैग बनाया है। पेपर में जब आता है तो ये कॉमा नहीं रहता है, सेंटेंस में पहले ही रीड्स ए बुक फुल स्टॉप, अब वहां रहता है कि मेक इट ए ऐड ए क्वेश्चन टैग ऐड ए टेल टैग, तो हम आंसर लिखते हैं ही रीड्स ए बुक कॉमा, फिर अब देखिए रीड्स है एस लग गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, करता इसका सिंगुलर नंबर है तो इसलिए एस लग गया है, तो अब इसका डजंट ही यहाँ है पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए ही लगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यू राइट फुल स्टॉप, आंसर के लिए लिखेंगे यू राइट कॉमा, जैसे यहां लिखा है, तो मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन टैग ही बना दिया है, सेंटेंस को नहीं किया है। सेंटेंस ये होता यू राइट फुल स्टॉप, आंसर देते यू राइट कॉमा डोंट यू, देखिए यहां यू राइट ये सिंपल प्रेजेंट है, यू प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट में आता है इसलिए राइट के साथ एसीआईएस नहीं लगा। तो सिंपल प्रेजेंट की दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो प्लूरल के साथ डू आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है, तो इसलिए यहाँ डजंट लगा, क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव था, ये भी वाक्य आपका अफर्मेटिव है लेकिन बहुवचन सब्जेक्ट है तो डोंट यू लगा। आगे अब दूसरा नियम देखिए, ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन का, अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर यदि स्टेटमेंट या सेंटेंस एक ही बात है चाहे कथन कहिए चाहे वाक्य कहिए का सब्जेक्ट कोई नाउन यानी प्रॉपर नाउन कोई नाम आ जाए, रीता गीता सीता मोहन सोन कुछ भी नाम आ जाए प्रॉपर नाउन संज्ञा हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उसी नाउन के नंबर तथा जेंडर के अनुसार होगा, यानी राम आ गया तो ही हो जाएगा, गीता आ गया सब्जेक्ट तो शी हो जाएगा, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आपको बनाना होगा या बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए चीकू एंड आंटी दो नाम आ गए, आर फ्रेंड्स तो ये दो हो गए यानी ये बहुवचन में आ गए, तो नाउन में यदि बहुवचन के कर्ता होते हैं तो उनके सब्जेक्ट के लिए दे का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहां देखिए कॉमा आरंट दे लग गया प्रोनाउन आ गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल रेखा इज नॉट लेबोरियस, रेखा सिंगुलर नंबर है, इज लगा है नॉट है, तो इसका अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होगा यानी पॉजिटिव होगा, नॉट नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और
रेखा लेडीज है तो उसके लिए शी आ गया, तो यहाँ इज शी हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन नाउन है, इसलिए द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या धनात्मक वाक्य है, इसलिए यहाँ निगेटिव क्वेश्चन टैग बना आपका द इजंट इट। चौथा एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज आर शाउटिंग, आर लग गया अफर्मेटिव सेंटेंस, बॉयज है, आरंट दे बहुवचन के लिए दे आ गया। फिर अब तीसरा कंडीशन देखिए कि तीसरा क्वेश्चन टाइप के सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सी शर्त के साथ। अगर स्टेटमेंट या सेंटेंस वाक्य का सब्जेक्ट करता, अब आइए दिस दैट दिस दोज देयर वन इत्यादि हो, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग्स के सब्जेक्ट क्रमशः इट देयर या वन तथा दे होंगे, यानी बहुवचन है, जैसे दिस का दीज, दैट का दोज, तो इनके लिए दे हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए दिस सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब लग गया, यानी ये सिंगुलर नंबर है दिस, तो इजंट इट निगेटिव आपका हो गया, ये अफर्मेटिव है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया, इजंट इट। दूसरा उदाहरण देखिए, दीज बहुवचन आ गया आपका, दीज आर हेवी, तो दीज दिस का बहुवचन दीज, तो यहाँ इट था वहां दे हो जाएगा। देखिए कॉमा आरंट दे। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दैट इज एनफ पर्याप्त है, दैट इज दैट सिंगुलर नंबर है, इजंट इट वहां भी इजंट, यहां भी इजंट सिंगुलर नंबर के लिए। चौथा देखिए, वन शुड कीप वन्स प्रामिजेज, वन शुड कीप्स वन्स प्रामिजेज, इसका देखिए सुड है तो स्टूडेंट वन, वहां आपको दिखाया हमने कि वन भी आता है। फाइव देखिए, दीज आर नॉट यूजफुल, दीज आर बहुवचन हो गया, नॉट लग गया तो नॉट यहां नहीं रहेगा, और दे क्वेश्चन टैग। अब इसमें कुछ खासियत है, दिस दैट दी दोज, ये तो डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट के रूप में आ गए, आपने अभी देखा पांच एग्जाम्पल। यदि अब ये कहता है कि यदि ये शब्द देखिए, यदि दिस दैट दी दोज वन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह विशेषण के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, विशेषण की खासियत यही है कि नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बताते हैं। तो आइए देखते हैं के अनुसार, नाउन के अनुसार यानी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो नाउन क्या है, कैसे है, ही शी इट या दे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दिस बॉय, दिस बॉय, दिस यह एडजेक्टिव का काम करने लगा क्योंकि आगे आपका नाउन है बॉय, तो उसकी विशेषता बताया कि यही लड़का, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, तो बॉय एक वचन है, तो यहां पर चूंकि वो लड़का है, लेडीज होता तो शी होता, जेंट्स है सिंगुलर नंबर है तो ही हो गया, इजेंट ही क्वेश्चन मार्क कॉमा लगा के। अब देखिए दिस का दीज फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, अब देखिए ये दीज लग गया, फ्लावर्स बहुवचन है, आर लग गया, नॉट भी है तो आर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और दीज बहुवचन के लिए आया है तो दे लग गया,
अट्रैक्टिव कॉमा आर दे। थर्ड को उदाहरण देखिए, दोज बुक्स आर माइन। दोज बहुवचन तो दे आएगा ही, आरंट दे। यहां देखिए दोज बुक्स आर माइन, ये निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, नो नहीं है, नन नहीं है, तो निगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन टैग निगेटिव बन गया, आरंट दे। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, वन मैन कैनॉट कैरी इट। कैनॉट लग गया, वन मैन है, लेडीज नहीं है, तो ही आ जाएगा। देखिए कॉमा, कैन ही क्वेश्चन टैग। अब फोर्थ कंडीशन आइए, ये तो दिस दैट की विशेषता मैंने दिखाई कि जब ये एडजेक्टिव के रूल में आते हैं तो। अब आइए चौथा, अगर स्टेटमेंट कथन का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरी बडी, सम बडी या नो बडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, दे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, चार एग्जाम्पल हमने लिया है। समवन हेल्प द पुअर, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट क्वेश्चन टाइप का है, इसमें दे सबके लिए यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं वाक्य में तो समवन हेल्प द पुअर, डिडंट दे, चूंकि ये देखिए सिंपल पास्ट, हेल्प का सेकेंड रूप है हेल्प्ड, तो सिंपल पास्ट में गया, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डीड होती है, तो डीड और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डीड प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डीडंट, डीडंट दे क्वेश्चन टैग हो गया। एनी वन कैन डू इट, कांट दे। तीसरा, नो वन कुड डू सो, कुड आ गया हेल्पिंग वर्ब, कुड दे, नो वन निगेटिव हो गया, तो यहां अफर्मेटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन विल सपोर्ट यू, ये भी अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, वोंट दे। और पांचवा, इसका कंडीशंस में देखिए, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ईट होगा। जैसे इसमें तीन एग्जाम्पल हमने लिया है, पहला नथिंग इज स्पेशल हियर, क्वेश्चन टैग कमा लगा वाक्य में, इज इट, चूंकि नथिंग निगेटिव है। सेकेंड, एनीथिंग कैन हैपन, ये अफर्मेटिव है तो कांट इट। Something is lying on the road, isn't it? इस प्रकार से आज हमने आपको पांच conditions subject के बारे में बताया। यदि आपको लगता है कि कुछ आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।